जब आप 200 की करेंसी बार बार दे रहे हैं कैसे बंद होगी? चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर है अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, बैठ जाओ और जैसा आप लोग चाहेंगे कि कोई अच्छे गीत सुनाए जाएं या जवाब दिए जाएं, जवाब भी दिए जाएंगे और कोई अच्छा गीत सुनना हो तो आप अच्छे गीत। लोगों की आवाज आ रही है कि अब अपने गीत सुनाओ, एक जवाब मत सुनाओ, कोई बढ़िया गीत सुनाए। चलो चलो कोई जवाब के लिए रह नहीं गया है। बहुत अच्छे मौत से लड़ना आसान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। जान देने से बड़ा कोई दान नहीं होता। मौत से लड़ना आसान नहीं होता है, जान देने से बड़ा कोई दान नहीं होता है। मरना है तो मर जाओ वतन के लिए, क्योंकि शहीदों से बड़ा कोई महान नहीं होता। आइए, सुबह का वक्त है और एक सुंदर गीत की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि गीत बड़ा अच्छा हमारी कल्पना जी ने सुनाया कि पिता का जो है पुत्री पर जब हाथ होता है, सही बात, पति पत्नी का जब हाथ में हाथ होता है, ये तीन बातें आपने रखी हैं, बड़ी अच्छी बातें रखी हैं और बड़े सुंदर जवाब भी हमने उस पर लिखा था। उसी प्रकार का माँ और बहन कि जब राखी बांधती है तो हाथ होता है चरणों में माथ भाई रख देता है और पुत्र जो है माँ के चरणों में माथ रख देता है। लेकिन क्योंकि जवाबी का प्रोग्राम जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है तो आइए एक सुंदर गीत की ओर चलते हैं। बापू, बहुत बढ़िया बापू। भैया यहाँ पे जो बंधे थे 2100 रुपए वो कौन ले गया? ले ओ, सब लोग देखते ही रह गए, सील लुट गई। हाँ, ये तो भैया हम लोगों का पुरस्कार था भाई, दोनों लोगों का, जो भी ले गया हो भैया यहाँ पे बांध दे और रख दे। अब जे अकेले में पता चला भाई, आपको तो मैं जे चचा अकेले में बताएं। अरे तू रे फिर भी तर्ज सभी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैंने रात भर प्रयास किया है कि ऐसी तर्ज आप लोगों को सुनाई जाए, वाकई में लगे कि ये फिल्मी गाना है, बड़ा सुंदर गीत है। प्रयास फिर कर रहा हूँ, सुबह के वक्त सुनिएगा। वैसे आपने पूरी रात्रि बढ़िया गीत सुना है, ये कल्पना जी कह रही है। लागी छूटे ना, लागी छूटे
अच्छे जाए जाए जिया तेरी कसम हमारे देखिए बहन जी कल्पना जी की तरफ से ये 51 रुपए प्रदत्त हुए हमारे लिए और 21 रुपए हमारे रविंद्र भाई के लिए प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बाकी और वाकई में ये बड़ी कलाकारा है। खासकर जब गाना बजाना बराबर चलता रहता है रियाज के बाद बनी रहती है तो वो गाना बजाना अलग ही होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जिला जालौन की ये हालत है कि कीर्तन प्रोग्राम बहुत कम हो गए यहाँ पे जवाबी प्रोग्राम। हम तो प्रयास करते रहते हैं, एक दो कमेटियां जागृत किए हुए हैं कि भैया आप लोग कराइए आप भी कराइए। प्रयास करते रहते कि जवाबी प्रोग्राम की जो व्यथा है जो बनी रहे। सही बात है प्रोग्राम वरना ये फाग और अचरी की तरह ये भी लुप्त हो जाएगी। पहले कितना कीर्तन होता था जिला जालौन में लेकिन आज की हालत बड़ी खस्ता हो गई है। अब हर गायक तो वहाँ जा नहीं सकता रायबरेली बाराबंकी। इतना सभी को टाइम है कि भैया दो दिन बर्बाद कर सके तो मैंने प्रयास किया कि जिला जालौन में एक कीर्तन इतनी हो जाए कि जिला जालौन का कलाकार वहाँ जा ही ना पाए यही गाता रहे। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर इधर कीर्तन जागृत हो जाएगी तो सभी कलाकारों की रियाज बनी रहेगी वरना रियाज छूटी जा रही है सभी। सही बात। सुनिएगा मैं जितनी कोशिश करता हूँ प्रयास करता हूँ मैं लगा रहता हूँ गीत को सुनिएगा और इसी तर्ज पर प्रदान हुआ है भाई ये 51 रुपए कल्पना दीदी की तरफ से ये इसी तर्ज पर फिल्म में तर्ज पर प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आशीर्वाद की कामना चाहेंगे लेकिन किस बात पे वो लागी छूटे ना है लागी छूटे ना है लागी छूटे क्या बात है बाकी भाई वो लागी छूटे ना सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी झूठे ना लागी झूठे ना लागी झूठे ना हम सनम भैया थोड़ा गौर से सुने इस गाने को। कीर्तन अब असली कीर्तन सुना रहा हूं ये बात। एक मंदिर था और मंदिर के में एक पुजारी था। पुजारी के सामने एक वैश्या रहती थी। भैया मंदिर था मंदिर में पुजारी था। अच्छा ये 21 रुपए नहीं मिले कर गया कोई हाथ मिल गए बहुत अच्छी बात है मिल गए। और मंदिर में पुजारी पुजारी के सामने एक वैश्या रहती थी। अब वैश्या ये सोचती थी कि ये पुजारी कितना भाग्यशाली है कि नित भगवान के दर्शन करता है और पुजारी ये सोचता कि ये वैश्या के पास जाने वाले कितने भाग्यशाली हैं। और कहा मुझे ये लागे पुजारी बना दिया मैं रात प्रभु की पूजा करता रहता हूँ। देखे भाव देखें आप भाव उसी भाव में आप गीत का आनंद लें। और इसी किड़बिड़ किड़ में 500 रुपया ले गए तुम आज रात में और क्या उधर 10 रुपया की बनी ऐसा ही होता यही तो मामला।
उसका पुजारी का मन बैस्या के रूप में फंसा है और इधर बैस्या का तन दूसते मन बैस्या की देखो बिहबल की दशा बैस्या की बड़ी बिहबल दशा की सांस में ऐसी भाग्यशाली होती जो नित भगवान का दर्शन करती। लेकिन जब दोनों मरे तो पुजारी को नरक में ढकेला गया। बोले इधर आओ, इधर रास्ता तुम्हारी और कैश्या को स्वर्ग मिला। बस यही तो बस धर्म की बात है, इसलिए तो कहना पड़ा जाने सकाना कोई जाने सका धर्म का मरा मनुआ जाने क्या क्या बात है, बहुत अच्छे। ओ मनुआ जाने ना धर्म का मरम ये कैसे कैसे मन से वचन से कहा कर से किया जो करम मनुआ जाने ना मन की बात सुनी आप। अब वचन कैसा होना चाहिए, वचन की बात सुने, वचन कैसा होना चाहिए। मैं तीन बातें ले रहा हूँ, मनसा वाचा कर्म। वचन कैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि झूठ ना बोलो, झूठ बोलो। अगर किसी के प्राण बचते हैं तो झूठ बोल जाओ। और क्या, जैसे एक गाय के पीछे एक कसाई लगा हुआ था और एक महात्मा साहब जंगल में रहते थे, वो सदा सत्य ही बोलते थे। तो कसाई ने पूछा कि बाबा जी ये बताओ ये गाय आपने देखी है। अब चूंकि वो झूठ नहीं बोलते तो बोले चले जाओ और लल्ला इधर को निकल गई। बेचारे कसाई ने गाय को पकड़ दिया, उसको काटा। एक बाबा सदा ही झूठ बोलते थे, अब कसाई गाय के पीछे पीछे गया, उसने बाबा जी से पूछा बाबा जी आपने गाय को देखा है। अब बाबा जी झूठ बोलते थे, गाय इधर को गई थी, उन्होंने इधर चले जाओ। बेचारे गाय के प्राण बच गए। लेकिन जब दोनों मरे तो जो सत्य बोलते थे बाबा उनको नरक में ढकेला गया और जो झूठ बोलते थे उन्हें स्वर्ग मिला। इसीलिए लिखना पड़ा क्या की बात सुनिए आप लोग। उसने तो सती कहा गाय इधर को गई, और झूठे व्रतधारी ने क्या कहा, झूठे व्रतधारी ने झूठ ही कहा गाय इधर को गई है गाय इधर को गई है गाय इधर को गई ये। और जब मरे तो हुआ क्या, जो झूठ बोलते थे उन्हें सिंहासन मिला और जो सत्य बोलते थे उन्हें नरक में डाला। इसलिए लिखना पड़ा क्या, जाने सकाना कोई जाने सका धर्म का मरम वचन तो अधर्म है पर मन से धर्म, वचन तो अधर्म पर मन से धर्म है। मन से वचन से कहा कर से किया जो कर्म ये है मनुआ जाने ना है मनुआ जाने ना है ओ मनुआ जाने ना है ये मनुआ जाने ना है मनुआ जाने ना है। तीसरी बात देखें
कैसा होना चाहिए जरूरी नहीं कि तुम कत्ल मत करो। सही बात कहता हूँ, खूब खून करो, कत्ल कर दो, लेकिन कब करो ये बस ये ध्यान में रखना है। जैसे एक डकैत था उसने 70 कत्ल किए थे और जब उसको पश्चाताप हुआ तो बाबा जी के पास गया तो बाबा जी ने कहा कि ये झंडा काला है और तुम जाइए चारों धाम चारों तीर्थ करिए, ये जब सफेद हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे सभी पाप घट गए। काली ध्वजा चारों धाम गया बाबा जी, लेकिन वो काला झंडा उसका सफेद नहीं हुआ। एक जंगल से निकल रहा था, उसने देखा कि चार दस डकैत मिलकर के एक अबला को घेरे हुए हैं, उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं। अब चूंकि वो पैदाइशी डाकू था, उसने सोचा जैसी 70 तैसी 80, और क्या, अगर झंडा सफेद 70 में भी होगा तो 80 में हो जाएगा। और उसने क्या किया, तलवार निकाली और दसों को शीश काट दिए। और जैसे शीश काटे तो विश्वास कीजिए वो काला झंडा सफेद हो गया, वो काला वाला सफेद हो गया झंडा। इसीलिए तो लिखना पड़ा, जाने सकाला को जाने सका धर्म का मरम, करम तो अधर्म है पर मन से धर्म, मन से वचन से कहा पर से किया जो करम, मन मनुआ जाने ना धर्म का मरम, मनुआ जाने ना धर्म का मरम। जय करा शेरवाली का, बोल साचे दरबार की जय। आइए चंद पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, बस सुनिएगा। हो तेरे रस के कमल नजर से मिलाई मजा आ गया, नजर से मिलाई मजा आ गया, नजर से मिलाई मजा आ गया। सभी ने लिखा मजा आ गया, किसी ने कहा भैया हमें कोरोना में मजा नहीं आया, कोरोना काल में मजा नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कोरोना काल में मुझे मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, बोले ये 2020 बहुत खराब रही, सभी परेशान रहे, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, कुछ मजा नहीं आया। मैंने कहा 2020 में ही मुझे मजा आया, कैसे मजा कब आया, बस ये बात सुन ले कि मजा कब आया। बापू तुम बच्चा की बात मत पढ़ना, पढ़े खा करे कसम, कसम तोड़ा उनका भरम। हमारी सेना ने चीन वालों, हमारी सेना ने चीन वालों का भरम तोड़ दिया। बात है बापू, पीठ पर ना दिखाई मजा, पीठ नहीं दिखाई।
भाई मजा आ गया, हमें तो भाई मजा आ गया, किसी को आया हो चला आया हो, लेकिन अब आपका देखा सेना का दम, थोड़ा एक भी ना पम, देखा सेना का दम, थोड़ा एक भी ना पम, ओ चीनी सेना भगाई मजा आ गया, हौसले पस्त दुश्मन के सब कर दिए, हौसले पस्त दुश्मन के सब कर दिए, कांट दामन में उनके कई भर दिए, पहुंचे बन करके यमू कर दिया सर कलम, पहुंचे बन करके यम कर दिया सर कलम, ओ सारी दुनिया थर्राई मजा आ गया, सारी दुनिया थर्राई मजा आ गया, सारी दुनिया थर्राई मजा आ गया, सारी दुनिया थर्राई मजा आ गया। देखे दूसरी बार मजा कब आ गया, चीनी सेना भाग के मजा आ गया, दूसरी बार मजा कब आया, जो लगा देते पत्थर बड़े जोर से, कश्मीर में जो सेना पे पत्थर मार रहे थे हमारे कश्मीरी, वो सेना पे पत्थर मार रहे थे, जो लगा देते पत्थर बड़े जोर से, कर रहे फूल बरसा वो चमोर से, अब वही लोग फूल वर्षा कर रहे हैं, इसलिए तो लिखना पड़ा, किया ऐसा करम मिट गए सारे गम, किया ऐसा करम मिट गए सारे ये गम, और बाधा सारी हटाई मजा, चीनी सेना भगाई मजा आ गया, बातें उनको खली भावना फिर बली, मच गई खलबली जागे शैतान है, इधर भी कसर नहीं लगाई उन्होंने, शाहीन बाग में बैठ गए, बापू आप गीत सुनिए, शाहीन बाग में बैठ गए, जाग गए शैतान फिर से, लेके सुनिए, मच गई खलबली चाल ऐसी चली, मच गई खलबली चाल ऐसी चली, बंद की हर गली कीना व्यवधान है, हर गली बंद कर दी, लेकिन आखिरी बात सुनिएगा, मजा आ जाएगा, मोदी का तम खम जानते पाके हम, मोदी का तम खम जानते बाके हम, चल किसी की न पाई मजा, क्या बात है, मजा आ गया, किसी की नहीं चल पाई मोदी जी के सामने, हमारे डीके पांडे और मंकुश चौहान की तरफ से ये इंक्याउंट प्रदत्त हुए हैं, इसी राष्ट्र गीत पर प्रदान हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन सुनिएगा लाइन सुनिएगा, तीसरी बार मजा आया, पहली बार चीनी सेना को भगा गया, दूसरी बार कश्मीर में जब फूल वर्षा कर रहे थे जो पत्थर मार रहे थे, और इधर शाहीन बाग में जब हटा दिया, तीसरी बार मजा आ गया, लेकिन चौथी बार मजा कब आया 2020 में, मोदी का तम खम जानते बाके हम, चल किसी की न पाई मजा आ गया, हारा है अधरम जीत पाया धर्म, नीव मंदिर धराई मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसा मजा आया कि हमारे राम मंदिर की नींव धर गई, रामलला हमारे जो त्रिपाल में बैठे थे, भव्य मंदिर का निर्माण होने लगा, बस इससे ज्यादा मजा हमें क्या चाहिए, सही बात है, जिनके वंशज हैं हम और आप, और उनका मंदिर बन रहा है, बस मजा आ गया, मोदी का दम खम जानते बाके हम, चल किसी की न भाई मजा आ गया, चल किसी की न भाई।
और इसी राष्ट्रगीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज की रात में जो भी गलती हो गई हो, कुछ मुख से निकल गया हो, तो मैं सभी जनता जनार्दन से चाहूंगा कि क्षमा करें। और खासकर सहयोगी पार्टी से, क्योंकि जवाबी प्रोग्राम में कुछ न कुछ गर्माहट लाने के लिए कुछ निकल जाता है, हमारे साथियों से भी निकल जाता है, हमसे भी कुछ निकल गया हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी वाणी के साथ हम अपने प्रोग्राम का विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा चंद पंक्तियां सीताराम जी की। हर गोविंद जय जय गोपाल जय भगवान की जय जयकारा सिर वरिदा साचे दरबार की जय। धन्यवाद देंगे हम अपने संजय भाई को जो फिरोजाबाद से यहाँ पे पधारे हुए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। हाँ।